तो गाइस भाई कह रहे कि आप भी जाओ बिग बॉस में, और तुम सोच लो तुम्हें जाना है नहीं जाना। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव से रिलेटेड। तो गाइस एल्विश यादव बिग बॉस तो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनके हेटर्स और बढ़ गए हैं। इससे रिलेटेड उन्होंने अपने ब्लॉग में बात की, ये देखिए। सपोज नहीं, मैं तो जैसे बिग बॉस जीत गया भगवान की दया से, आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं कुछ जितना एक बुनियाद पे था वो थोड़ी बुनियाद मेरी और गहरी हो गई और थोड़ी बड़ी हो गई, मजबूत हो गई बड़ी हो गई। तो मतलब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया आप लोगों ने मेरा। तो ये देख के ना मैंने बहुत सारी चीज नोटिस करी कि यार कि अगर तुम्हारे चाहने वाले भी बढ़ते हैं तो तुम्हारे हेटर्स भी बढ़ते हैं, वो लोग भी बढ़ते हैं जो तुम्हें बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते और गिराना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कैसे माइंड सेट के लोग हैं कि दूसरे को गिरते हुए देख के जिनको खुशी मिलती है फिर गिराना चाह रहे हैं, इंटेंशन इनकी खराब है। तो मेरा एक मानना है, मतलब मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर अलग अलग सोच हो सकती है सबकी, मेरा ये मानना है कि भगवान भी उसी को देता है जिसका मन साफ होता है। मतलब तुम बस कर्म करते चलो अपने, अच्छे इंटेंशन जो होती है ना, जैसे मंदिर में जाके भी हम दुआ मांगते हैं कि ये मिल जाए हमें, वो मिल जाए। तुम भाई दिल से अच्छी चीजें करोगे ना, तुम्हारा इंटेंशन सही रहेगा और तुम कहीं जाके प्रेयर भी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। मतलब ऐसी वाली चीज जो होती है ना, मन साफ रखो अपने आप भगवान तुम्हें आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट, तो गाइस सौरभ जोशी भी बिग बॉस में जाने में इंटरेस्टेड हैं, बताया था उन्होंने अपने रीसेंट Q&A में। तो गाइस अभी रिसेंटली सौरभ जोशी एल्विश यादव से मिले थे, एल्विश यादव ने उन्हें बिग बॉस से रिलेटेड एडवाइस भी दी, ये देखिए आप। कैसा लग रहा है मतलब बिग बॉस से आने के बाद इतना? भाई सही बताऊं, ऑनेस्ट बताऊं, स्ट्रेस बढ़ गया बहुत, हर चीज का, पर्सनल लेवल का भी, फाइनेंशियल लेवल का भी और पब्लिक लेवल का भी, बहुत स्ट्रेसफुल। अगर वैसे पूछा जाए मैं बहुत खुश हूँ, I'm happy। तो गाइस भाई कह रहे कि आप भी जाओ बिग बॉस में। भाई मैं तो कह रहा हूँ जाओ, अगर थोड़ा और तुम पे है वैसे बहुत सारे फॉलोअर्स, बट और अगर चाहिए वैसे वाला तो बिग बॉस जाओ। अगर तुम्हें पर्सनल लाइफ चाहिए, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना है तो रहना। फॉलोअर्स के लिए जाना, मेरे को जाना एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या कैसा होता है भाई? वो एक्सपीरियंस जब होगा ना उससे वो ऑटोमेटिक सारी चीजें बाहर तुम लेके आओगे जो मैं बता रहा हूं। अब तुम सोच लो तुम्हें जाना है नहीं जाना, देखते हैं, वो तो समय बताएगा। नेक्स्ट, तो गाइस कीर्ति मेहरा को यूट्यूब पर किसी ने कमेंट किया, अगर शादी का मन हो तो बता देना कीर्ति, रेडी फॉर यू, योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड। जिस पर कीर्ति मेहरा ने भी रिएक्ट किया, गर्ल्स स्कूल में थी मैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।